संख्या एक कैसे हो गया, मैंने तो कराया नहीं है, मैंने तो कराया नहीं है सर, मैं तो इंतजार कर रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन कराऊंगा। अगला देखो, अगला क्लियर बोल रहा है वन से लेके बी तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करा और जो एरिया आया वो कितना आया, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू। अच्छा अब आप में से कई लोगों को लगा होगा अच्छा अपन फोर लेवल वन में आ गए है नहीं, क्वेश्चन में अपन गलत पढ़ रहे थे, ध्यान आया आपको? एरिया वन से बी तक के बीच का इतना है, इसका भावार्थ समझे आप, इसका मतलब ये कि वन से बी के बीच का इसका इंटीग्रेशन इतना है। आप में से कितने को पता है कि अपने को एफएक्स तक जाना है, सही, एफएक्स कहां उलझा पड़ा है, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, और इस पर इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज, न्यूटन लेबनीज किसके रेस्पेक्ट में, बी के, अगर मैंने करा तो ये हो जाएगा एफ बी और माइनस एफ जीरो, वन तो कांस्टेंट है ना, एफ बी आ गया। अच्छा एफ बी की वैल्यू कितनी है, इधर वाला कहेगा मेरा भी कर भाई, वन अपॉन टू रूट बी स्क्वायर प्लस वन और इसका बी स्क्वायर प्लस वन का छू बी और इसका जीरो कट गया, एफ बी की वैल्यू आई। और अगर एफ बी इतना है तो एफ एक्स कितना है, एक्स कर दो, सिंपल है ना भाई, हो गया क्वेश्चन, ठीक है चलिए आइए। इसका मतलब सोचो, इसको न्यूटन ने भी 2002 में भी आती थी, आज तो 15 साल हो गए इसको, सही है अब तो आई गई होगी, ठीक है तो अपने को आ जानी चाहिए ना। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर दो, तीन, चार, पांच, छह, ओके छह पे आ जाओ, नहीं वो हो गया लेकिन मेरे को जो बताना है वो इंटरेस्टिंग बात है। आप में से किसी को अगर ध्यान हो, वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स और एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर वाई, याद आ गया, ये पत्ती याद आई आपको? अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या वो बताता हूं मैं, वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स और एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर वाई, ये जब भी ये सिमिलैरिटी होती है ना, नहीं सिमिलैरिटी समझते आप, जैसे वाई स्क्वायर इजिकल टू एट एक्स होता है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू एट वाई होता है, y square is equal to 4x, x square is equal to 4y है, y square is equal to x, x square is equal to y होता, सिमिलरिटी होने पर एक पॉइंट तो 0-0 अंक का अंदा भी बता देगा, है कि नहीं, ऐसे छू करके ब्रेल लिपि में बता देगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला पॉइंट उतना ही इंटरेस्टिंग है, अगर ये 4-4 है तो ये पॉइंट 4-4 होता है। और बात अब आपको एक और क्लासिक चीज समझ में आ गई होगी, मान लो ये 4x होता और वो 8y होता, तब भी ये फंडा काम करता कि 8.4 ले लिया, सेम होने पर काम करता था। एनीवे काम की बात क्या है, हम लोगों को इसने कहा एक स्क्वायर बना, बन ही रहा है, ये चार है और ये भी चार है, आपका अंधा भी बता देगा कि चार है, नहीं अरे अपन अकेले के अंधे की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है वो थोड़ी ना बता पाएगा। अच्छा ये चार है तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में जो पत्ती है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब अगर आपने लाइन खींच ली तो जितना ऊपर है उतना नीचे, ड्रॉइंग पे मत जाना आप मेरी, है ना, ये थोड़ी अलग है, ठीक है। अच्छा ये उससे प्रेरित है, कौन है, मिस्टर बीन्स याद आया, ठीक है। अच्छा खैर काम की बात, तो फिलहाल ये है कि नहीं, अच्छा ये जो पत्ती है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अच्छा ये जो बच गया एरिया वो S1 है, अंदर वाला S2 है, अंदर वाला S3 है। उम्मीद है आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि बीच का एरिया तो खट से नहीं निकाला जा सकता, एक्स का कोफिशिएंट 16, सीधा चला जाऊंगा 4×4/3 नहीं है, ये कौन आ गया S2। आप में से कई लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि स्क्वायर का एरिया भी आपको पता है 4×4, नहीं ये कैसे पता, नहीं पता, ये चार, ये चार। अच्छा इसका ना S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर कितना 16 में से S2 बटा दूं तो S1 प्लस S3 रह जाएगा माइनस 16/3 बोले तो 32/3, मात्र 32/3 कितना लोग आपको लगता ही होगा, फील आ रही होगी कि ये और ये बराबर है, तो S1 और S3 बराबर है, तो काय दो बार लिख रहा, दो बार लिख देता हूं, तो S1 बराबर इतना, आओ आओ ठीक है, तो S1 की वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा ये आधी हो गई, ठीक है ना, S1 इज इक्वल कितना गया 16/3, तो S3 की वैल्यू भी 16/3, तो तीनों का रेशो 1:1:1। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सही है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हो जाना चाहिए, क्या करना है बता दूं, इंटीग्रेशन करना है पाई बाई 4 से लेकर के बीटा तक किसका, फंक्शन का, उससे क्या होगा आंसर आ रहा है क्या, एरिया बीटा साइन बीटा प्लस में कितना पाई बाई 4 कॉस बीटा, फटाफट सोच लो, प्लस रूट 2 बीटा, बताओ एफएक्स निकालना आता है ठीक वैसे जैसे ये निकाला था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 बोलो जल्दी ना, नहीं हुआ, हाँ 9 क्वेश्चन आप पहले पुराने जमाने का आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है रिपीट मार गए लोग, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 को जरा ध्यान से देख लेना, कई लोग समझ गए कि x बराबर -2y² है, कई लोग समझ गए कि x इज इक्वल टू 1-3y² है, कई लोगों को -3y² + 1 दिख रहा है, सही है भाई, अब आएगा इसमें पूरे में खेल में मजा,
देखिए ऐसा है, पहली बार आपने जिंदगी में प्लस वन का उल्टा मतलब निकालो गया, प्लस वन होता है तब तक आपकी नजर में ऊपर होता है, लेकिन वाई स्क्वायर में प्लस वन हो रहा है और वो भी माइनस के वाई स्क्वायर में, समझना। पहले इसको दिखाता हूं, माइनस का टू वाई स्क्वायर ऐसा, ये ग्राफ। इसे कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ऐसा माइनस फोर एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स ऐसा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स ऐसा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स फोर एक्स ऐसा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर आगे वाली। अच्छा माइनस का तीन वाई स्क्वायर होता तो इसकी मुंडी थोड़ी श्रिंक हो जाती, श्रिंक हो जाती, कोफिशियंट बढ़ता है, ये अंदर दबता है। एनीवे काम की बात क्या, लेकिन इसके साथ प्लस वन भी है तो आपको इसको एक्स में पुल मारना है, तो अब आप ना केवल ये श्रिंक होगा बल्कि एक स्थान पीछे से भी जाएगा और आपको ये एरिया निकालना है। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं है? और ये करने के लिए याद है, अच्छा तब तक आपको ये भी तो पॉइंट कैसे मिलेंगे सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करते हैं, कर लोगे ना? गुड 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 गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जल्दी बोलो। शानदार क्वेश्चन, पुराने जमाने का रुड़की, उसके बाद आईआईटी और उसके बाद मेंस, तीसरे नंबर पे आओ, ठीक है? खटाखट सोचना, ठीक है? कई बच्चे ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन जैसी चीज सर आपने एक बताई थी हमारे को, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन में। इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन याद आते बच्चों को, सर इसकी जगह वो बड़ा सा वाई स्क्वायर लिखोगे आप, ये बड़ा सा एक्स है, तो हमें से कई लोगों को कौन सी वाली फील होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज ए सर्कल, क्या बोला? ओके, किस तरफ मुंडी खोल गए, इधर की तरफ या उधर की तरफ? अच्छा यो वाली, लेकिन न केवल यू खोलेगी बल्कि उसका वर्टेक्स 1.2, वर्टेक्स 1.2, एक्स का 1 वाई का 2, नहीं है 1.2, 1 किधर होगा इधर और 2 कितना थोड़ा ऊपर, यहां पे वर्टेक्स होगा और उधर की तरफ मुंडी करके, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अच्छा अब अगला बोल रहा है, इस पे एक टेंजेंट भी लगानी है और 2.3 पे, उम्मीद है आप में से कई लोग 2 यहां रखें और 3 यहां रखें और बताएं क्या सेम आ रहा है, जैसे 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 1, माने 2.3 का है, इस पे है कि नहीं है? है, तो 2 इधर और 3 थोड़ा ऊपर, माने यहां कहीं 2.3 है, 2.3 पे अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ हद तक ऐसे बनेगा, क्या बात समझ में आ गई? नहीं आई है कि नहीं? लेकिन टेंजेंट की क्वेश्चन कहां से लाएं, लानी पड़ेगी, कहां से लाते हैं, अपने पास है ना हथियार, याद है ना आपको डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स y माइनस 2 इंटू डिवाइड बाय x, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन सोच ले फटाफट से, x माइनस 1 का 1, शानदार बात है ना। अरे नहीं बाकी लोग बोले ही नहीं, तो बाकी जिसने बोला उसको तो बेचारे को उसका प्रोत्साहन चलता रहता है कि नहीं? तो डिवाइड x और वो भी कहां निकाला, 2.3 पे, 2.3 पे निकाला, तो 1/2 इंटू 3 माइनस 2, बोले तो 1/2 हमारी इक्वेशन हो गई y माइनस y1, y1 बोले तो 3। अच्छा ये लाइन टेढ़ी है, तभी आप लोग हाँ नहीं कर रहे थे, नहीं हाँ मैं अभी देखा मेरे को, मैंने कहा ये टेंजेंट की क्वेश्चन है, कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 1/2 इंटू x माइनस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2y-6 बराबर x माइनस 2, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा कर लें, ठीक है, इज्जत बढ़ जाएगी भाई की, नेगेटिव तो है ही, x माइनस 2y प्लस 4, तो हम इसको बताते हैं भाई तेरी इक्वेशन आ गई है, तू रख ले अपने पास संभाल के, है कि नहीं? खुश हो गए। अब आपने से कई लोगों को पता चल गया टेंजेंट है। अच्छा हमको क्या निकालना है, इस टेंजेंट और एफ एक्स के बीच का, एक्स एक्सिस और इसके बीच का एरिया, माने समझे आप, ये पूरा संपूर्ण, ये पूरा, अब जरा समझना, ये खांचे वाले भी, ये वाला खांचा भी पूरा, अगर अपन एक्स में इंटीग्रेट करेंगे तो अपने से ज्यादा भोला कोई नहीं, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन पहले यहां से यहां तक जाएगा इसकी टोपी तक, ठीक है, फिर ये अलग चलेगा और वो अलग चलेगा, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, हाँ, इसलिए क्या करें, ट्रेडिंग याद आ गया। अच्छा अगर अपन ऐसा कर डाला तो बताए आपको कैसी वाली फील देगा, याद है ना अपने को कैसे घुमाना था, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी, सही ना भाई, तो अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो इसकी फोटो कैसी आ गई, यू है कि नहीं, माने इस तरफ कहीं, एक तो ये पहली मेरी, एक तो माशाल्लाह है, ठीक है, और दूसरा ऐसा, अगर ऐसा है तो अब इसके बाद में अपने को क्या करना था, टेंजेंट है ना भाई, और अपने को तो ये चाहिए, ये समझ रहे हैं आप,
और इसमें कोई लोचा नहीं है। ये वाला पॉइंट तो मतलब ऐसे आंख से खोल के कोई भी बता देगा, 2.3 सही है। अच्छा ये पॉइंट कईयों के लिए थोड़ा एक डाउटफुल है, ये एक्स बराबर जीरो ही है, नहीं है, बोल दो आप कि वाई बराबर जीरो है, अभी भी बोल दो आप कि वाई बराबर जीरो, मैं फिर बोल रहा हूं। अरे ये वो जब आप यू करेंगे तो वाई बराबर जीरो है, ध्यान क्यों नहीं देते, सही है ना। तो बताओ लिमिट कहां से कहां में चलेगी, बोलो कहां से कहां तक इंटीग्रेट, जीरो से थ्री या टू, पक्का या ढाई पे सेटल कर लें, थ्री सही है। आप में जो कई लोग ऐसे ना, याद है अपने घर में अपने चॉकलेट जिस दिन बटती है तो है कि नहीं, जरा सा इधर वो जो लंबी लकीर निकलती है ना, ये भी लंबी नहीं जानी चाहिए, ये भी कट जाएगी बीच में, ठीक है। अच्छा तो जीरो से थ्री अपर माइनस लोअर, अच्छा ये कहीं को बताओ वाई है तो पीछे क्या लग गया, आगे क्या लगेगा एक्स, तो ऊपर वाला एक्स किसका लेगा, पैराबोला का लाइन का, पैराबोला का एक्स तो दुनिया में कोई भी बता देगा, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन सही है, माइनस लोअर वाला कौन है लाइन, इसका एक्स भी मैं बता सकता हूं आपको, टू वाई माइनस फोर, दैट्स इट, कर लेना इंटीग्रेट, सही है ना। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको बताता ना, ये बारिश की आवाज है, गेट बंद कर दो, अरे अच्छा कर रहा है एक तो बेचारा काम, हाँ मन नहीं भटकना चाहिए। अच्छा ओ हम तो सोच रहे थे पुलिस वुलिस में रिपोर्ट कर रहा है, लावारिस इसमें बॉम्ब होगा, ठीक है पावा बॉम्ब, पावा बॉम्ब है क्या, नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 11 ये तेरी है, अच्छा ये तेरी है क्या, ये तेरी है? क्या बात कर रहे हैं, सीट तो उसकी निकली थी ना तेने, मैं तभी तो आज तुम्हारी सीट नहीं निकली इसने, अरे हाँ भाई चले आगे, तब तक मैं आपको शानदार एक इंफॉर्मेशन दे रहा था, पावा बॉम्ब नहीं सुना, पावर नहीं पावा बॉम्ब, पावा एक्चुअली में क्या है इसराइल की है, पता नहीं किसकी देन है, अगर वो कुछ पॉलीविनाइल पता नहीं कुछ, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आप लोगों से, नहीं हुआ ना, मैं जानता था इसमें दो, इसमें समझना जरा जल्दी से, साइन एक्स का एरिया कॉस एक्स का एरिया कहां से कहां तक है, कॉस एक्स का एरिया जीरो से 3π/2 माने यहां तक, और साइन एक्स इस दौरान में कितना चल चुका होगा, वो इतना चल चुका होगा राइट है, ये 3π/2 है, उम्मीद है आप समझ गए कि इसके बीच में बाउंडेड एरिया टॉफी का एरिया, ठीक है आपको नहीं दिखा, आप इसे कितने लोगों को फील आ गई, दो चौंच रूट टू माइनस वन और बीच का एरिया इंटीग्रेशन जिंदाबाद सही है, 2 × √2 − 1 √2 − 2 तो आप किनारे कर दो, इतना तो अपना है ही हक बनता है इतना तो। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी बोल दो, क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ हाँ हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 फटाफट बताओ, 15 बताओ क्यों नहीं, y² = 1 − x, ये पैराबोला है, ऐसी वाली फील आई तेरे को नहीं, देखो ना x² + y² = 1 ऐसा कुछ सर्कल, अच्छा क्या ये वाली बात अभी दिमाग में आई क्या, y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, पहले तो इसको समझो, आप सोच रहे हो यहां इक्वल टू कैसे आ गया, लेस देन को इक्वल टू में समझना क्या मुश्किल है, अच्छा फिर माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई एक्स को आगे रखने की, इससे फर्क क्या पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, इससे आप में से कई लोग इसका वर्टेक्स सोच गए 1, 0 सोच गए, इसका मतलब इट इज अगेन अ पैराबोला Having vertex 1, 0 और मुंडी किस और उधर या इधर, इधर पक्का, और 1, 0 किधर होता है, तकदीर से 1, 0 यहां होता है, और बताइए मैं क्या बताऊं, इंटीग्रेशन करते समय ये पॉइंट तो निकाल ही लोगे, यहां तक का प्लस यहां तक का और फिर भी उसका डबल, हाँ तो लेस देन माने अंदर का, क्या कर रहा हूं, हाँ 1, 0 कहां से लाएंगे अपन, एक ही 1, 0 है, और मेरे अंदर 1, 0 तो बेचारे का ये सर्कल के इधर आ रहा है, ओहो बहुत बढ़िया, लो चलो आने दो ना, तो क्या तकलीफ है, और बढ़िया ठीक है, अभी भी यही तो सीन तो वही रहेगा नहीं, ये तो और अच्छा हो गया कि 1, 0 आपने सर्च कर डाला। क्वेश्चन नंबर 16 1, 2, 3
चार चार तक तो कर ही लो कम से कम एडवांस में. फोर्थ का ए, फोर्थ का बी हो गया, फोर्थ का सी नहीं हुआ. अरे कर तो दू लेकिन मेरा एक पूरा टाइम खत जाएगा, मैं करना नहीं चाह रहा. कल कर लेंगे अपन, सही ना, याद करके कर लेना.